हेलो जी, क्या हाल चाल। आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी। आज मैं अपने बेटे के फरमाइश पे बना रही हूँ पाव भाजी। मार्केट से भी अच्छा, घर पर बना सकते हैं पाव भाजी, और बनाना बहुत ही आसान है। हेल्दी तरीके से घर पर बनाइए और टेस्ट इतना अच्छा कि आपको आ जाएगा मजा। तो यहाँ पे लिया है मैंने छोटे छोटे आलू, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद कुकर में रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है, और इसे मैं एक सीटी में मतलब उबलने दूंगी, तो ये बहुत जल्दी उबल जाती है। यहाँ पर मैंने लिया है सब्जी में गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज। ये बेसिक सब्जी है, पाव भाजी में तो ये जाती ही है। इसे मैं छोटा छोटा काट लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्जी को छोटा छोटा काट लिया है। प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है। यहाँ पर गोभी को मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटा है, गोभी को उबालना है तो इसलिए थोड़ा बड़ा ही काटा है। आधी कटोरी मटर रखी है, दो कटोरी इसमें पानी रखूंगी। उसके बाद इसे रखना है गैस पर, गैस को ऑन करना है। लगभग 3 से 4 मिनट तक इसे उबलने दूंगी हाई फ्लेम पर ही। यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्ची है, इसे मैंने फूलने के लिए 10 मिनट पहले रख दिया था, तो ये फूल चुकी है। और एक पूरा लहसुन का मैंने गाँट लिया है, और यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्च है। इन सभी का मतलब पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए लहसुन का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, और ये कश्मीरी मिर्च है, इसका भी मैंने पेस्ट तैयार किया है। इसे बहुत ही अच्छा कलर आता है, ये तीखा नहीं होता है। ये तीखी वाली हरी मिर्च है, इसे भी पीस लिया है, और सभी को मैं मतलब पिसा है तो पानी रखा है इसमें। और यहाँ पर देखिए आलू उबल चुके हैं, तो छोटा छोटा आलू था, बहुत जल्दी उबल जाता है। और गोभी मटर है, ये भी उबल चुका है। अब बनाना मतलब शुरू कर देना है। तो यहाँ पर लेना है मतलब बड़ी सी तवा, अगर आपके पास घर में तवा है बड़ी सी तो उस पर आप बनाइए, नहीं तो बड़ी सी कढ़ाई रख दीजिए। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें रखनी है 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच बटर। तेल का बहुत कम यूज करना है, तो 1 चम्मच ही रखनी है। और यहाँ पर देखिए मैंने गैस को कर दिया है सीम, तो सीम आंच पर ही इसे बनानी है। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच जीरा रखा है, और जीरा जब अच्छे से चटक जाए तब इसमें रखनी है प्याज। और प्याज को देखिए मैंने छोटा छोटा काट लिया है। उसके बाद शिमला मिर्च रखूंगी, टमाटर। अब सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स करनी है। अब इसमें रखना है नमक, तो नमक यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच ले रही हूँ। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक इसमें रख लीजिए। उसके बाद जो आलू को मैंने उबाला है उसे छील लिया है और मोटा मोटा ही तोड़ के इसमें रख दिया है। गोभी मटर है, ये भी उबल चुकी है। अब सभी को आपस में अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैसर का यूज करना है, मैसर से ही सब्जी को अच्छे से दबा दबा के मैश करनी है। तो जिस तरह मतलब जिस तरह से मैं कर रही हूँ दबा दबा के, इसी तरीके से सब्जी को अच्छे से मैश करनी है। तो ये मेन प्रोसेस है, इसे इस तरह से मैश करनी है, ये मैश हो भी जाती है जल्दी ही। अब क्या करना है, मैसर को अलग रख देनी है और एक करछी से इसे अच्छे से मिक्स करना है आपस में, और बीच में मैं गड्ढा करूंगी। अब इसमें रखना है बटर, तो अब यहां पर तेल नहीं रखना है। 2 चम्मच भरकर मैं रखूंगी बटर। उसके बाद इसमें रखना है 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट। उसके बाद इसमें रखना है कश्मीरी लाल मिर्ची का पेस्ट 2 चम्मच, तो भर भर के रख रही हूँ 2 चम्मच। और 1 चम्मच ले रही हूँ हरी मिर्च का तीखी वाली पेस्ट है। अब सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें रखूंगी सूखा मसाला, तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच पाव भाजी मसाला है। अब सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको और भी कलर चाहिए इसमें तो 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची इसमें रख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, फिर से मैशर से इसे अच्छे से मैश करना है। तो मसाले सब्जी अच्छे से फिर से मैश हो जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट उभर कर आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 1/2 गिलास पानी इसमें रखनी है, तो भाजी को अच्छे से मिक्स करना है। और देखिए यहाँ पर भाजी तैयार हो चुकी है। अब इसमें रखूंगी धनिया पत्ता, तो खूब सारा धनिया पत्ता रख दीजिए, जितना मैंने रख दीजिए। अब इसे मिक्स करूंगी। अब इसमें रखूंगी 1 नींबू का रस, तो यहाँ पर देखिए नींबू के 1 बीज गिर गए हैं, बीज को नहीं रखना है, इसे मैं निकाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करूंगी, और देखिए कितना आसान है बनाना। तो कम मेहनत में आप बना लीजिएगा भाजी घर पर ही, बाजार से अच्छा, और टेस्ट इतना अच्छा आता है कि मतलब मजा आ जाएगा आपको खा के। तो गैस को बंद करना है, भाजी रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर पाव को भी सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तवा लिया है,
और यहाँ पर देखिए जो लहसुन का जो पेस्ट है बच गया था, 2 चम्मच है, और 3 चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्ची वाला पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए पाव का मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो लहसुन मिर्ची का पेस्ट तैयार है। और यहाँ पर तवे पर रखना है 1 चम्मच बटर, बहुत थोड़ा सा ले रही हूँ मैं तेल। अगर आपको तेल नहीं रखने का मन है तो स्किप कर दीजिए, मैंने बस थोड़ा सा ही रखा है। और 1 चम्मच लेना है लहसुन मिर्ची का पेस्ट, थोड़ा सा लेना है पाव मसाला। उसके बाद इसे तवे पे फैला देनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने पाव को बीच से काट लिया है इस तरह से। अब तवे पे रख देना है, दोनों तरफ से इसे सेक लेनी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों अच्छे से मैंने सेक लिया दोनों तरफ। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, गैस को बंद करना है। पाव रेडी हो चुका है। तो अब इसे सर्व करने के लिए क्या करना है, गरम गरम भाजी पर 1 चम्मच रखनी है बटर को। और यहाँ पर देखिए पाव भी रेडी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। और देखिए बनके तैयार हो चुकी है पाव भाजी, तो आप लोग इसे ट्राई कीजिए।